और जो किसी भी अंग्रेजी हुकूमत से टकरा जाए सीने पर गोलियां खा ले। अच्छा सही लाल पदम भर के आप हमसे बात करते हैं, एड़ी को उठा लो, पंजों पे खड़े हो जाओ। हम लोगों ने इस अमानवीय प्रशासन को, इस क्रूर प्रशासन को पुष्प गुच्छ के माध्यम से अपनी बात और एक शांति मार्च निकाला, अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की थी, मगर इस नकारा प्रशासन का कोई भी जिम्मेवार व्यक्ति बाहर नहीं निकला, डर के मारे नहीं निकला, जबकि हम पुष्प के साथ गए थे और हम उनको बताना चाहते थे हमारा साहब शासन बहाल कर दीजिए, छात्र कल्याण बहाल कर दीजिए, छात्रों का आवाज़ सुनने आइए। और इस कैंपस में जो गतिरोध की स्थिति लगातार बनी हुई है अध्यापकों और छात्रों के बीच, उसको खत्म करके बढ़िया वातावरण कर दीजिए परिसर का। हमारी जो लड़ाई है वो हमारे भाइयों के लिए है और हमारा जो शासन है उसका एक गौरवमय और क्रांतिकारी इतिहास रहा है। मेरे साथियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो छात्र यहाँ पे पुराने हैं, कि जब भी कोई प्रोफेसर या कोई भी कोचिंग संचालक या किसी भी प्रकार का इलाहाबाद विश्वविद्यालय का प्रशासनिक अधिकारी जब आपको परेशान करता है, जब आपका उत्पीड़न करता है, तो हम शासन के लोग आपकी मदद करते हैं कि वहाँ पे बैठे पुलिस के अधिकारी करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज हम सभी भाई मिलकर सैकड़ों और हजारों की तादाद में आकर यहाँ पर शांति मार्च निकाला गया, क्योंकि ये कुलपति को जानना होगा कि हमारे साथ हजारों छात्र खड़े हैं जो शासन बहाली चाहते हैं, इसलिए हम लोगों ने शांति मार्च गुलाब लेके कुलपति महोदय के कार्यालय गेट पर, ये शर्मनाक बात है कि उन्होंने हम लोगों का एक शांति मार्च भी और उन्होंने साथ में गुलाब का फूल भी नहीं लिया। और मैं कहना चाहूँगा कुलपति महोदय से, ये आपने बहुत गलत किया, क्योंकि अभी आप सभी लोगों ने शांति का माहौल ये देखा है और हम लोगों को जरा भी देर नहीं लगेगी भगत सिंह का रूप लेने में। इसलिए मैं बताना चाहूँगा एक बार छात्र जल्द से जल्द बहाल हो, नहीं तो हम लोग दशहरा की छुट्टी के बाद आमरण अनशन पे वादा करते हैं, आमरण अनशन पे ऐसे ही चलेगा जब तक छात्र बहाल नहीं होगा, चाहे हम लोग को अपनी जान क्यों ना देने पड़े। आपका परिचय? पूर्व अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह यादव। भाई तो शासन आप जैसे तमाम पदाधिकारियों ईसी बीसी लोगों पे भारी पड़ेगा, उसका इतिहास पढ़िए, उसके बारे में जानिए। बहुत मायूसी के साथ कहना पड़ता है कि ये प्रोफेसर जो कक्षाओं में पढ़ाते होंगे तो आपको ये जरूर बताते होंगे कि चाटुकारिता करो साहब, मेरी तरह नौकरी ले लो। वो कभी नहीं बताते होंगे कि सीने पे गोली खाओ, शहीद लाल पदमधर बन जाओ और देश के लिए कुर्बान हो जाओ, ये कभी नहीं बताते होंगे। जिंदाबाद।